क्या आपको पता है न्यूजीलैंड ने कोविड-19 को कैसे हैंडल किया और कैसे न्यूजीलैंड ने अपनी कंट्री के लोगों को इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया। सो आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे। सो लेट्स गो। एवरीवन, मैं हुसैमी न्यूजीलैंड से। तो आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि न्यूजीलैंड ने कोविड-19 से कैसे फाइट की, उसे कैसे हैंडल किया और यहाँ पे रिकवरी रेट वगैरह क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज यहाँ पे थर्सडे है और आज है 14th of May 2020 और आज सब कुछ खुल चुका है एंड लाइक पीपल आर रियली हैप्पी। देयर आर स्टिल सम लिमिटेशंस लाइक सोशल गैदरिंग नहीं है मोर देन 10 पीपल, स्कूल्स वगैरह सब कुछ खुल चुका है, बिजनेसेस खुल चुके हैं, बार्स रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, बट स्टिल देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। बट हम इस वक्त लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं, न्यूजीलैंड इस वक्त लेवल 2 पे पहुंच चुका है। सो वी सक्सेसफुली हैंडल्ड कोरोना वायरस इन न्यूजीलैंड और सबसे पहली चीज जो न्यूजीलैंड ने हैंडल की, तो वो न्यूजीलैंड ने क्या क्या चीजें की और कैसे सक्सेसफुल हुए न्यूजीलैंड कोरोना वायरस को हैंडल करने में, तो चलिए शुरू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहले जब कोरोना वायरस WHO ने अनाउंस किया था कि पैंडेमिक है, ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो न्यूजीलैंड ने क्या किया, न्यूजीलैंड ने जब 100 केसेस ऑफ कोविड-19 हो चुके थे तो न्यूजीलैंड ने उसी वक्त लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, लेवल 3 अनाउंस कर दिया था एंड आफ्टर दैट अनाउंसिंग वो सीधे आई थिंक विद इन 24 आवर्स लेवल 4 में चले गए थे। ठीक है, वेयर एज अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें, और भी कंट्रीज से कंपेयर करें जो और भी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें जो कोरोना वायरस था उन्होंने लेवल 3 या लेवल 4 लॉकडाउन में नहीं गए, वो लेवल 3 में ही चलते रहे, लॉकडाउन नहीं हुआ। हाँ, बट वो सिर्फ लेवल 3 में ही उनके उनका काम चलते रहा। हाँ, सो न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं किया और यहाँ पे जैसे ही जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा हुआ था कि जैसे ही यहाँ पे 100 केसेस के आसपास पहुँच जाएगा तो देन सब कुछ क्लोज हो जाएगा। सो वही हुआ, जैसे ही 100 केसेस पार हुए तो यहाँ पे लेवल 3 हो गया। तो विद इन 24 आवर्स में उन्होंने जो है लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था कि हाँ भाई अब कल से जो है वो यहाँ पे सब कुछ बंद हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने स्टेप्स लिए कि हम कोविड-19 से कैसे कम से कम इन्फेक्टेड हो सकते हैं और कैसे उससे बच सकते हैं, कंट्री को बचा सकते हैं। तो ये तो था पहला पॉइंट, अब है पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 2 ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने 12.1 बिलियन का बिल पास किया था जो भी यहाँ पे बिजनेसेस हैं उनके लिए, ताकि उनको सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली। हाँ, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने 12.1 बिलियन का पैकेज पास किया था लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें से क्या था कि जो भी उनके एम्प्लॉयज थे, कोई भी बिजनेस था छोटा या बड़ा, जो भी उनके एम्प्लॉयज थे, जैसे किसी का फुल टाइम एम्प्लॉय था तो उसको उन्होंने बोला था कि यू विल गिव देम $585, ठीक है, पर एम्प्लॉय और पर वीक। और जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय थे उनको बोला था $350 पर एम्प्लॉय पर वीक। तो ये तो एम्प्लॉयज के लिए था। उसके बाद जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनको भी उन्होंने $77,000 दिए थे पर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जैसे लाइक अगर कोई ऊबर चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई प्लम्बर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई मकैनिक है, तो उन सब लोगों को उन्होंने हर एक आदमी को $77,000 दिए थे एज अ सब्सिडी टू सपोर्ट देम, क्योंकि कोरोना वायरस में बाहर जाके काम करना इट वॉजंट पॉसिबल, सब कुछ बंद था, सब कुछ लॉकडाउन था। तो देन फिर उन्होंने सोचा कि अब जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना, क्योंकि सबको पैसों की ज़रूरत तो होती ही है। सो देन इसलिए उन्होंने ये 12.1 बिलियन का जो है बिल पास किया ताकि पूरी कंट्री के जो लोग हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। देन उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 ये है कि न्यूजीलैंड का जो सक्सेस रेट है कोरोना वायरस को लेके वो है 93%। तो उन्होंने लाइक 1500 केसेस थे उनमें से उन्होंने 93% ऑफ द केसेस जो थे वो सक्सेसफुली रिकवर हो चुके हैं, और जिसमें से सिर्फ 21 डेथ्स हुई हैं, ऑल्दो इट्स स्टिल बैड कि 21 डेथ हुई हैं, हम उनको बचा नहीं पाए, बट स्टिल इट्स गुड एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज।
ठीक है. देर आर स्टिल लाइक लॉट ऑफ कंट्रीज जिनकी लाइक पॉपुलेशन सेम है. लोग बोलते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो बहुत ही छोटा है, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसीलिए न्यूजीलैंड सक्सेसफुल हो पाया. बट इफ वी कंपेयर न्यूजीलैंड विद अदर कंट्रीज, अगर हम कंपेयर करें न्यूजीलैंड को और दूसरी डेवलप्ड कंट्री से या यूरोपियन कंट्री से जिनकी पॉपुलेशन सेम है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, बट उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी न्यूजीलैंड को मिली है. सो अगर हम कंपेयर करें, लेट से अगर हम कंपेयर करें फिनलैंड से, फिनलैंड की पॉपुलेशन है 5.5 मिलियन, जिसमें से उनके टोटल जो केस थे वो 6000 थे, 6000 हो चुके थे जबकि हमारे 1500 भी क्रॉस नहीं हुए, ठीक है. और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है 6 मिलियन, मीन्स लाइक 5.9 मिलियन समथिंग. तो फिनलैंड की है 5.5 मिलियन और टोटल केसेस है 6000, जिसमें से 4000 रिकवर हुए और 265 डेथ हुई. उसके बाद आती है नॉर्वे. नॉर्वे की जो पॉपुलेशन है वो है 5.3 मिलियन, उसमें टोटल केसेस हुए 8000 और रिकवर हुए 7100 और टोटल डेथ हुई 220 लोगों की, ठीक है. तो ये कंपेयर हम इसलिए करके बता रहे हैं बिकॉज कई लोग क्या है कि न्यूजीलैंड तो छोटी कंट्री है, वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल किया. बट ऐसा नहीं है, इसलिए हमने कंपेयर करके बताया सेम लगभग सेम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज से, ताकि आप कंपेयर कर सके कि नहीं सक्सेसफुली यहाँ पे हैंडल किया गया है COVID-19. हाँ, उसके बाद जैसे डेनमार्क भी है, आयरलैंड भी. अब जैसे आयरलैंड है, आयरलैंड की आबादी जो है, जो पॉपुलेशन है वो न्यूजीलैंड से कम है, उनकी है 4.9 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लेस देन अस, ठीक है. और उनके उसके बावजूद भी 23000 केसेस हुए, जिसमें से वो सिर्फ 70000 रिकवर कर पाए एंड 1500 डेथ्स. तो आपको आप देख रहे हैं कि हाउ सक्सेसफुली न्यूजीलैंड हैंडल COVID-19, उन्होंने कैसे सक्सेसफुली हैंडल किया COVID-19 को, और कैसे न्यूजीलैंड रिकवर कर पाया कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को, और कैसे उनका 93% सक्सेस रेट रहा. तो ये था तीसरा पॉइंट. और अब चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है जितने भी रेंट पे लोग रह रहे हैं या फिर जो जिनकी घर की मॉर्गेज जाती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये किया था कि आप 3 से 6 महीने के लिए अपनी जो जो भी आपकी किस्त जाती है वो आप फ्रीज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको दे सकते हैं, ताकि ज़्यादा जो है वो बर्डन ना हो लोगों पे, है ना, क्योंकि वैसे ही फाइनेंशियली सब लोग वीक हो चुके हैं. वैसे तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बट फिर भी स्टिल ज़्यादा बर्डन ना हो, इसके लिए उन्होंने ऐसा 3 से 6 महीने के लिए फ्रीज करने का ऑर्डर दिया था. हाँ, ऑन द टॉप ऑफ दैट देयर इज नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड. लाइक अगर वो फ्रीज करते हैं तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा, सो विच इज गुड. तो ये तो था चौथा पॉइंट. और पांचवा पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड ने जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स है, जैसे कि हम लोग हैं बाहर से अलग अलग कंट्रीज से जो आके यहाँ पे बसे हुए हैं, है ना, जिनके जो वीजा पे हैं, स्टिल वीजा पे हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया कि 6 महीने का वीजा एक्सटेंड कर दिया. मतलब जो जब से लॉकडाउन हुआ उससे लेके 3 महीने के बीच में जिनके भी वीजे आ रहे थे, है ना, तो क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, खत्म हो रहे थे, तो उनको सबको सितंबर तक का वीजा दे दिया, ऑलमोस्ट सभी को, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो उनके वीजे में. तो विच इज अ गुड थिंग फॉर इमिग्रेंट्स आल्सो. और उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि सब्सिडी देने के बावजूद भी सभी बिजनेसेस को और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक और चीज अनाउंस की है, दैट दे विल बी गिविंग लोन टू द ऑल स्मॉल बिजनेसेस और जितने भी सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं. तो उसमें आई थिंक 10,000 से लेके आप 100K तक ले सकते हैं आप लोन, और उसमें एक साल तक आपको कोई भी इंटरेस्ट या कुछ भी नहीं देना है, और दूसरे साल आपको इंटरेस्ट देना है, और वो भी बिल्कुल थोड़ा सा है. आई कांट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर ऑफ परसेंट, बट वो जो नॉर्मल लोन के जो होते हैं इंटरेस्ट, उससे बहुत कम आता है, ताकि वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके और छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर सके. सो इसलिए ये कर रहे हैं ये लोग, जो बहुत अच्छा आई थिंक स्टेप है. तो देखा आपने कैसे न्यूजीलैंड ने सक्सेसफुली COVID-19 को हैंडल किया, और कैसे अपने लोगों को पैनिक नहीं होने दिया, और कैसे उनको हैंडल किया फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट किया. तो ये जो सारे रीजंस थे, इन सारे रीजंस के कारण न्यूजीलैंड सक्सेसफुली कोरोना वायरस को हैंडल कर पाया.
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए और लोगों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी न्यूज एंड से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहें, यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।